तो गाइस आप इस तरह का सिनेमैटिक होली स्पेशल डीजे स्टेटस कैसे क्रिएट करोगे वीएन वीडियो एडिटर से, एक स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। बिल्कुल एंड तक देखते रहो, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करते रहो। सो वीडियो देरी ना करते स्टार्ट करते, सो लेट्स बिगिन गाइस। तो गाइस देख पा रहे हो आगे मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, यहाँ पे मुझे वीएन वीडियो एडिटर ओपन करना है। तो यस, वीएन वीडियो एडिटर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाके आप, मैं जो यहाँ पे क्लिप यूज करूंगा और जो फोटो यूज करूंगा सब कुछ मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। तो यहाँ से पहले एक मैं वीडियो, मतलब जो कलरफुल स्मोक इफेक्ट है होली स्पेशल, उसको मैं यहाँ से ऐड करूंगा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मुझे फोटो पे आ जाना है। तो लगभग 46 फोटो आपको यहाँ से ऐड करना है। तो मैं ये सारे कुछ मैं आपका टेलीग्राम चैनल पे ले दे दूंगा अपना, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना जो जो मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से 46 फोटो और एक स्मोक कलरफुल इफेक्ट का वो एक मैं तय गई वीडियो, मतलब 47 मैं आपको यहाँ से इंपोर्ट करके टाइमलाइन पे ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं एडजस्ट करके देखो टाइमलाइन पे आ गया 46 फोटो और एक वीडियो। तो यहाँ पे एकदम एंड तक आ जाना, एंड पे आ जाके आके आपको पहले आपको वाटरमार्क जो है वीएन का, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको टाइमलाइन को हाथ से स्ट्रेच कर देना है, मतलब जूम इन जूम कर देना है, ताकि आपको आसानी से आपको कट करो या कुछ भी करो या बीट लगाओ तो अच्छा, मतलब आसान हो। तो पहले आपको फुल जूम कर देना, तो मैंने जूम कर दिया मेरे हेल्प के लिए। तो आप भी जब एडिट करोगे तो आपके सुविधा के अनुसार आप जूम कर लेना। तो यहाँ पे मैंने जूम कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर पे देखो ओरिजिनल पे जाके 9:16 ऐड करना है, ताकि जो टिकटॉक का रेशियो उस रेशियो पे आप बना सको। तो अभी आपको चेक करना है, मतलब सारे फोटो फ्रेम पे सेट हुआ है कि नहीं, ये फोटो मुझे सेट करना है कुछ। तो फोटो पे क्लिक करके आपको हाथ से जूम इन जूम कर देना। तो अभी इस फोटो को मुझे कुछ सेट करने के लिए फोटो को क्लिक करके यहाँ पे आपको इस तरह से ज़्यादा हटाना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं अपने हिसाब से फोटो एडजस्ट कर रहा हूँ। इस फोटो को भी मुझे एडजस्ट करने फोटो पे क्लिक करके इसको थोड़ा यहाँ पे हाथ से यहाँ से एडजस्ट कर देना है। तो आप अपने हिसाब से कर लेना जो फोटो आप ऐड करोगे। तो मैं अपने हिसाब से जो फोटो पे मेरा स्क्रीन पे ठीक से फिट नहीं हुआ है, मतलब 9:16 मैं एडजस्ट कर लिया। अभी आपको म्यूजिक ऐड करना है। म्यूजिक ऐड करने के लिए ऊपर भी देखो प्लस पे म्यूजिक का आइकन है, तो उस म्यूजिक पे आइकन पे आपको क्लिक करना है। प्लस पे नीचे म्यूजिक का ऑप्शन से एक म्यूजिक का लिंक मैं आपको दे दूंगी, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो इस म्यूजिक को चूज करके इसके ऊपर बीट ऐड करना है। तो बीट ऐड करने के लिए अभी देखो बीट पे जाना है। बीट पे क्लिक करके बीट का जो रेशियो है, मतलब कितने सेकंड पे कितना बीट आपको ऐड करना है, वो मैं यहाँ पे सारे डिस्क्रिप्शन पे दे तो दूंगा, लेकिन एक दो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि जो बिगिनर्स है वो उसको भी पता चले। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मतलब मानो मेरा फर्स्ट जो बीट है 0.5 सेकंड का है, तो मैं 0.5 सेकंड के पास व्हाइट लाइन को लाके रेड फ्लैग पे क्लिक कर दूंगा तो बीट ऐड हो जाए। इस तरह से सारे प्रोसेस सेम है। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख के बीट ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ पे राइट टिक कर देना है, उसको दोबारा राइट टिक करके यहाँ से निकल जाके फिर से टाइमलाइन पे आ जाना है। तो मेरा बीट तो देखो सारे, मतलब पूरा म्यूजिक पे मेरा बीट ऐड हो गया है। आप देख के कर लेना। इसका लिंक मैं आपको, मतलब इसका प्रोसेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब 46 फोटो पे 46 बीट ऐड हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप एडजस्ट कर लेना। देन आपको यहाँ से राइट टिक कर देना है। राइट टिक करके यहाँ से टाइमलाइन पे आ जाना है। अभी बीट को भी फुल, मतलब स्ट्रेच कर देना। बीट वाला पोर्शन को भी हाथ से या फिर जूम इन कर देना, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर लेना। मैं मेरा सुविधा के अनुसार कर रहा हूँ, मतलब सारे फोटो के साथ, ताकि बीट ऐड करना मेरा आसान रहे। ठीक है, तो पहले वाला देखो वीडियो क्लिप पे आके यहाँ पे वीडियो क्लिप को क्लिक करके या वीडियो क्लिप के एंड तक आ जाना है। उसके बाद इसको इस तरह से जो छोटा करके बीट के समान कर देना, मतलब पहले वाला बीट के समान कर देना है। उसके बाद साथ साथ सेकंड प्रोसेस भी सेम है, सेकंड वाला फोटो को क्लिक करके सेट करके इस तरह से कर सकते हो। तो पहले वाला को मैंने इस तरह से सेट करके देखो पहले वाला बीट के समान कर दिया। अभी सेम प्रोसेस है, सेकंड वाला फोटो को भी चूज करके फोटो के ऊपर क्लिक करके व्हाइट लाइन को यहाँ पे ला के सेकंड वाला फोटो को इस तरह से छोटा करके सेकेंड वाला बीट के ऊपर इस तरह से एडजस्ट करते हैं। यही सेम प्रोसेस है सारे फोटो पे, आपको मतलब सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। तो मैं सिर्फ दो ही दिखा दूंगा, बाकी आप खुद से कर लेना। मैं थोड़ा वीडियो, मतलब वीडियो लंबा ना हो जाए, तो वीडियो ऐसे ही बड़ा होगा। तो अभी मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, तो
तो इस तरह से आप बीट ऐड, मतलब बीट के साथ फोटो एडजस्ट कर लेना या वीडियो जो आप ऐड करोगे वो ऐड कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से बीट के साथ साथ फोटो, तो गाइज आप देख पा रहे हो मैंने ऑलरेडी ऐप कर लिया है, सारे फोटो के साथ बीट एडजस्ट कर लिया है। तो अभी आप यहाँ पे इफेक्ट ऐड कर सकते हो। इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ से नीचे जाना है। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए पहले वाला फोटो को आपको क्लिक करना है, ठीक है। पहले वाला फोटो पे क्लिक करके नीचे इफेक्ट पे जाके यहाँ पे जूम इन का जो इफेक्ट है वो पहले चूज करना। चूज करके ये अप्लाई टू ऑल कर देना। सारे फोटो को इसका ड्यूरेशन एकदम फुल रखना है, ठीक है। और सारे फोटो पे ये बीट मतलब ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट है। तो अभी देखो जूम इन वाला इफेक्ट सारे फोटो पे ऐड हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले बार फर्स्ट वाला जो क्लिप है, जो मेरा वीडियो क्लिप है, उस पे इफेक्ट ना लगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको क्लिक करके, वीडियो को क्लिक करके इफेक्ट पे जाके फिर से वहाँ पे नान कर देना, ताकि इस वाले वीडियो से मेरा इफेक्ट हट जाए, सिर्फ फोटो पे ही मेरा इफेक्ट दिखे। तो अभी आप चाहते हो तो बहुत सारे फोटो पे बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हो। तो मेरा जो 12 नंबर वाला फोटो है, ठीक है, 12 फोटो पे मैं दूसरा इफेक्ट ऐड करना चाहता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करके मुझे यहाँ पे इफेक्ट पे जाना है, ये 12 वाला फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट के जाके यहाँ पे मुझे व्हाइट वाला इफेक्ट ऐड करना है। तो व्हाइट वाला इफेक्ट मैं चूज करके यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा, ये इफेक्ट ऐड हो जाएगा। अभी उसी फोटो करके नीचे जूम पे जाना है, जूम पे जाके यहाँ पे इसका जूम आउट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जूम पे जाके जूम आउट कर देना है इसको, इस सेम फोटो पे ही। तो अभी इसको दो फोटो छोड़ के थर्ड वाला जो फोटो पे आ जाना है, थर्ड वाला फोटो, इस फोटो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके सेम प्रोसेस व्हाइट इफेक्ट ऐड करना है, इफेक्ट पे जाके वह वाला व्हाइट इफेक्ट ऐड कर देना है। और इसका पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो 13 सेकेंड रखना है। देन यहाँ पे राइट टिक कर देना, राइट टिक करके नीचे ऐड करके यहाँ पे राइट टिक करके निकल जाऊंगा। उसके बाद उस फोटो पे ही क्लिक करके मुझे नीचे जूम पे जाना है, जूम पे जाके यहाँ पे जूम आउट कर देना है सेम फोटो, मतलब पिछले वाले प्रोसेस की तरह ही सेम है, सेम प्रोसेस मैंने दोबारा ऐड किया है। तो इस तरह से इसको जूम आउट कर देना। अभी देखो मेरा और बाकी जो सारे फोटो उस पर सेम इफेक्ट जूम इन का ही रखना है। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने जूम इन का ही इफेक्ट रखा। तो अभी देखो वीडियो प्ले करके मैं दिखा दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा एडिट हुआ है। और इसके ऊपर भी मैं कुछ ओवरले ऐड करूँगा, वो भी मैं आपको दे दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ ओवरले ऐड करने के लिए ऊपर से ऊपर देखो, मतलब फोटो क्लिप के ऊपर प्लस का एक आइकॉन दिखेगा, ठीक है। तो प्लस का आइकन पे जाके यहाँ पे वीडियो पे जाके यहाँ पे मैं पहले ये वाला जो ब्लैक स्क्रीन का ओवरले है, इफेक्ट है, इसको मैं ऐड करूँगा। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। तो ये सब का लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करके ऐसे फुल स्क्रीन कर देना है, मतलब हाथ से जूम इन करके ध्यान से जूम ऐड करना, ताकि कुछ भी जगह ना छूटे। तो इस तरह से इसको देखो पूरा वीडियो पे एडजस्ट। अब ये को टाइमलाइन पे चेक करना है, कहा था कि ये मतलब ओवरले ऐड हुआ है, तो आप देख सकते हो। अगर आपको पूरा वीडियो पे हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हो तो आप दोबारा एक और एक ओवरले ऐड कर सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे देखो मेरा पूरा वीडियो पे नहीं ऐड हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे और एक ओवरले ऐड कर सकूंगा। तो यहाँ पे पहले इसको मैं ब्लेंडिंग कर ले रहा हूँ। तो ये वीडियो क्लिप पे क्लिक करके नीचे ब्लेंड पे आ जाना, ब्लेंड पे आज की यहाँ पे मेरा बहुत कुछ ऑप्शन है। मैं लाइटन सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो लाइटन मुझे अच्छा लग रहा है। आप स्क्रीन भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो यह बहुत कुछ आप देख लेना जो आप ओवरले ऐड करोगे। तो लाइटन मैंने सिलेक्ट किया, देखो अभी बहुत ही अच्छा दिख रहा है और लग रहा है एक स्मोक स्पार्कल इफेक्ट ऐड हो गया है ब्लैक स्क्रीन के साथ। उसके बाद इसको टाइमलाइन की यहाँ से एडजस्ट करके बाकी जो जगह छूट रहे वहाँ पे और एक ओवरले ऐड करूंगा, सेम प्रोसेस है। तो इस तरह से देखो ये वाला स्मोक का, रेड स्मोक का ये इफेक्ट मैं ऐड करूंगा इस ओवरले इफेक्ट। तो यहाँ पे एडजस्ट होगा, और ये 16:9 में है ये वाला वीडियो, इसलिए मैं इसको थोड़ा लंबा करके जूम इन कर दे रहा हूँ, एकदम फुल स्क्रीन में जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो 9:16 पे ये वाला वीडियो ऐड हो गया। तो इसको अभी क्लिक करके नीचे ब्लेंड पे जाके मुझे यहाँ पे लाइटन सिलेक्ट कर देना है।
तो लाइट एंड मैंने सिलेक्ट कर दिया है, देखो सिलेक्ट कर दिया। तो वीडियो एडिटिंग अभी एकदम बहुत ही यूनिक वीडियो एडिटिंग हुआ है। इस तरह से होली स्पेशल स्टेटस अगर आप गाइस क्रिएट करोगे, जो लोगों को वीडियो एडिटिंग का भी नहीं आता, तो वो लोग भी मेरे इस वीडियो अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ भी जगह स्किप भी नहीं किया। अगर आप तो इस तरह से आप वीडियो एडिटिंग सीख के वीडियो होली स्पेशल वीडियो एडिटिंग स्टेटस आप ऐड कर सकते हो। तो यही था गाइस कंप्लीट वीडियो। अभी इसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए गाइस ऊपर पे देखो एक्सपोर्ट का सिंबल है, मतलब आइकॉन है, एक्सपोर्ट पे आपको टैप करना है। टैप करके इसके रेजोल्यूशन आप 1080p रख सकते हो और FPS 30 तक रख सकते हो। बाकी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली राइट टिक कर देना, यहाँ पे एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट मेरा स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी गाइस। यही था कंप्लीट वीडियो एडिटिंग होली स्पेशल डीजे स्टेटस वीडियो एडिटिंग। तो उम्मीद करते हो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को सबको शेयर कर दो और कमेंट करके जरूर बताओ आपको नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और वीडियो एडिटिंग अगर सीख रहे हो तो आप बता देना कैसा लगा वीडियो। तो गाइस यही था कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा है। तो आज के लिए इतने, धन्यवाद।